आइए स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन का एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो देखने में ऐसा लग रहा है कि किसी मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है या आ सकता है, लेकिन जब आप उसे करना शुरू करोगे तो पता लगेगा कि ये क्लास 10th के मेथड से हो पा रहा है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स अप टू इन्फिनिटी। तो पहले तो क्वेश्चन को देखकर ही डर लगता है, थोड़ी घबराहट हो जाती है, बट अचानक आपको याद आता है कि ऐसा कुछ आपने डिफरेंशिएशन में भी करा है और ऐसा कुछ आपने क्लास 10th में भी करा है। तो आइए समझते हैं कि हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को y अस्यूम कर लेते हैं जैसा कि हम क्लास 10th में करा करते थे, और ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। अक्सर क्लास में समझाने के लिए मैं एक बात करा करता हूँ कि मान लीजिए इन्फिनिटी एक ओशन है और अगर मैं उसमें से एक ग्लास पानी निकाल लूं तब भी ओशन जो है वो ओशन रहेगा, उसमें पानी की कमी नहीं होगी। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं पहली टर्म को थोड़ी देर के लिए रिमूव करता हूं तो ये टर्म अभी भी क्या है, वाई है, और फिर अगर मैं वो एक ग्लास पानी डाल दूं तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ओशन से अगर एक ग्लास निकले या एक ग्लास पानी कोई ऐड कर दे तो ओशन को फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इन्फिनिटी में से पहले मैंने एक टर्म रिमूव कर दी थी और इसको मैंने रिप्लेस कर दिया था वाई, क्योंकि वो तब भी वाई रहेगा। मैंने जब उसे वापस लिखा है तो वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, आपको याद होगा ये चीज। स्क्वायरिंग कर देंगे हम, जैसे ही हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और हम वाई की टर्म्स को एक साथ ले जाएंगे और एक्स जो है वो उस तरफ रह जाएगा। टाइम नाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। आपको याद है वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, आप वाई के कोएफिशिएंट पे आते हो विच इज -1, उसका हाफ करते हो विच इज -1/2, और उसका स्क्वायर कर देते हो यानी 1/4। तो आप दोनों तरफ 1/4 जो है वो ऐड कर दोगे, और यहां लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास आ जाएगा वाई -1/2 द होल स्क्वायर, एंड द अदर साइड इज, मैंने एलसीएम ले लिया है, द अदर साइड इज 4x+1/4। अब अगर आपको याद हो कि ये एक स्क्वायर रूट है, और जूनियर क्लासेस से ही हमें सिखाया जाता है कि अगर पहले से स्क्वायर रूट हो तो वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। यानी अब मैं अगर जब इस होल स्क्वायर को सॉल्व करूंगा तो मैं प्लस माइनस नहीं लूंगा, आई विल टेक ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आइए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो जैसे ही हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मैं यहां प्लस माइनस नहीं लिखने वाला, आई विल ओनली टेकिंग द पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये वाई -1/2 विल बी अंडर रूट ऑफ 4x+1/4, सो रिजेक्टिंग नेगेटिव, और मैं वो रीजन आपको बता चुका हूं कि क्या है। इसके बाद चीजें आसान होनी शुरू हो गई हैं। ध्यान से देखिए, हमारे पास आ चुका है वाई -1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x+1/2। मैंने रूट 4 को 2 लिख दिया है, यानी y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1/2 प्लस 4x+1 होल रेस्ट बार 1/2 / 2। तो मैं इसे वापस वहीं रख दूंगा जहां से मैंने इसको लिया था, और अब हमारे पास वो पूरा जो इंटीग्रेशन है वो इसमें कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों। और आपके पास अब दो ऑप्शंस हैं। पहला पार्ट आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2, और दूसरे पार्ट के लिए क्योंकि जो बेस है वो लीनियर अलजेब्रिक है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। आप लिखोगे 4x+1 होल रेस्ट पार्ट 3/2, यानी पावर ऐड कर ली, और जब आप 3/2 को डिवाइड करोगे तो साथ ही साथ 4x+1 यानी इसके डेरिवेटिव को डिवाइड कर दोगे, और 1/2 ऑलरेडी है। अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहते तो आप 4x+1 को टी पुट कर तब आप इंटीग्रेशन कर लीजिए। अब मैंने 2 और 2 कैंसिल कर दिया, मेरे पास आंसर आ रहा है दोस्तों x/2 प्लस 4x+1 होल रेस्ट पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 12 प्लस सी। दोस्तों जैसे ही आप देखते हैं कि क्वेश्चन टिपिकल सा है या आपने कभी देखा नहीं है, तो भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करिएगा, स्टिक टू दैट कॉन्फिडेंस, और आप देखोगे कि कोई ना कोई रास्ता बहुत आसानी से निकल आता है। कीप डूइंग ऑल द क्वेश्चंस, डू गुड, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट दिस चैनल AVTE। थैंक यू वेरी मच।